नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ECG टेक्नीशियन के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो रिजल्ट था वो यहां पर जारी कर दिया है। क्या है शेड्यूल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्ततों, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे 1 मार्च 2021 की बड़ी अपडेट। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो ECG टेक्नीशियन सीधी भर्ती निकाली थी 2020 में, TSP एरिया के 18 और नॉन TSP के 177, यानी कि कुल 195 पदों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया था, और ऑनलाइन आवेदन के बाद में जो पात्रता की जांच के लिए और दस्तावेज सत्यापन के लिए जिन अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया था, लिस्टेड किया था, बोर्ड द्वारा 22 फरवरी 2021 को जारी परिणाम में पैरामेडिकल संवर्ग में ECG टेक्नीशियन सीधी भर्ती 2020 के लिए नॉन TSP एरिया के 724 और TSP एरिया के 39 अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया था पात्रता की जांच के लिए, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो आज जारी कर दिया है। और मैं बता दूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दुर्गापुरा जयपुर में यहां पर किया जाएगा। पात्रता की जांच है तो आवश्यक रूप से विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में एवं मूल दस्तावेजों के साथ आपको उपस्थित होना है। साथ ही मैं बता दूं, सबसे पहले आपके पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की जांच होगी, इसके बाद ही आगे के दस्तावेज जो है वो जांचे जाएंगे। अगर पैरामेडिकल काउंसिल में आपकी जो रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपके आगे के जो दस्तावेज है वो नहीं जांचे जाएंगे। पात्रता की जांच है तो उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र क्रमांक, रिट संख्या, दिनांक और समय जो विवरण है वो इस प्रकार से है। तो दोस्तों, 8 मार्च से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होंगे सुबह 10 बजे से। इसके अलावा 9 मार्च को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल है, यानी कि 724 नॉन TSP और TSP एरिया के 39 अभ्यर्थियों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पर 8 मार्च, 9 मार्च, इसके अलावा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 9 मार्च को भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, 10 मार्च को भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोजित किया जाएगा, 12 मार्च फ्राइडे को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इसके अलावा 12 मार्च जो रिट याचिका वाले कैंडिडेट्स हैं उनका 2 से 5:30 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर किया जाएगा। पात्रता की जांच के समय आपको निम्न बातें ध्यान रखनी है। विस्तृत आवेदन पत्र राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट से आपको डाउनलोड करना है, पूरा भरना है और लाना है। इसके अलावा आवेदन के विस्तृत फोटो प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी। विस्तृत आवेदन की एक प्रति के साथ 100 रुपए का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जो है आपको अटैच करना होगा। आपके मूल दस्तावेज प्रमाण पत्र के साथ स्वयं का पहचान पत्र आवश्यक रूप से लाना है। अगर आप इन्हें किसी कैटेगरी का बेनिफिट लिया तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको लाना अनिवार्य होगा। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रति भी आपको लानी अनिवार्य है। तो दोस्तों, 8 मार्च से लेकर 15 मार्च तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दिया है। मैं बता दूं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ECG टेक्नीशियन भर्ती 2020 के 195 पदों के विरुद्ध, जिसमें नॉन TSP के 177 और TSP के 18 पदों के विरुद्ध 724 नॉन TSP और 39 TSP अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच के लिए यहां पर बुलाया गया है। 8 मार्च से लेकर 15 मार्च तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में इनके डॉक्यूमेंटों की जांच होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।